हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि एक गिवन लाइट हम लोग के पास है तो वो प्लेन पोलराइज्ड है या सर्कुलरली पोलराइज्ड है या एलिप्टिकल पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है, ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी गिवन लाइट है उसे निकोल प्रिज्म से हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं, यानी कि निकोल प्रिज्म पर पहले इंसिडेंट करवाएंगे। और जो निकोल प्रिज्म होता है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस वो रोटेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग रोटेटिंग निकोल प्रिज्म भी लिख सकते हो। तो इंसिडेंट करवाने के बाद जो रिजल्टेंट लाइट निकलेंगे निकोल प्रिज्म के पार होने के बाद, तो वो क्या होगा, वो उसमें तीन केसेस पॉसिबल हो सकता है। या तो वो जो रिजल्टेंट लाइट हम लोग के पास है उसमें इंटेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी। दूसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता है, हम लोग को वेरिएशन दिख सकता है इंटेंसिटी पर, लेकिन जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और तीसरा केस क्या है, हम लोग को वेरिएशन इन इंटेंसिटी दिख सकता है लेकिन जो मिनिमम इंटेंसिटी हम लोग दिखेंगे वो हमेशा जीरो होगा, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जब केस होगा वेरिएशन इज सीन लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो प्लेन पोलराइज लाइट होगा, जो हम लोग के पास गिवन लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट है। दूसरा केस, अगर वेरिएशन हम लोग को दिख रहा है, चेंज इन इंटेंसिटी हम लोग को दिख रहा है लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी जीरो नहीं है, तो दो पॉसिबल केस हो सकता है, या तो पार्शियली पोलराइज लाइट होगा वो या एलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगा, है ना। और इन दोनों कब होगा ये भी हम लोग चेक करेंगे, लेकिन पहला वाला केस के लिए देख लेते हैं कि नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी आए, तब दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो लाइट पोलराइज ही नहीं है या वो सर्कुलरली पोलराइज है, यानी कि अनपोलराइज या सर्कुलरली पोलराइज। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सा वाला है वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे क्वार्टर हाफ प्लेट से क्वार्टर वेव प्लेट से बेसिकली हम लोग इसे भी और इसे भी क्वार्टर वेव प्लेट से क्वार्टर वेव प्लेट से पास करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग कंडीशन रखना कि यहां पर तो क्वार्टर वेव प्लेट है, ये आप लोग कैसे भी रखो कोई मतलब नहीं है विच रेस्पेक्ट टू द निकोल प्रिज्म, लेकिन यहां पर जो क्वार्टर वेव प्लेट आप लोग रखेंगे वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए, उसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए निकोल प्रिज्म का जो प्रिंसिपल सेक्शन है या प्रिंसिपल एक्सिस से आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। ऑप्टिक एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निकोल प्रिज्म के पर पार होने के बाद, यहां पर मान लीजिए दो केसेस है, एक तो मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो और दूसरा मिनिमम इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मिनिमम इंटेंसिटी जीरो है तो हम लोग कह सकते हैं कि एलिप्टिकली पोलराइज लाइट है, अगर मिनिमम इंटेंसिटी जीरो नहीं है तो पार्शियल पोलराइज है, है ना। अगर यहाँ पर निकोल प्रिज्म के, है ना, पास करने के बाद अगर मिनिमम इंटेंसिटी जीरो है तो सर्कुलरली पोलराइज है, अगर कोई भी वेरिएशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, अनपोलराइज लाइट होगा। तो ये रहा आप लोग के पास एनालिसिस ऑफ पोलराइज लाइट, या आप लोग कह सकते हो कि एक गिवन लाइट का पोलराइजेशन चेक करने के लिए हम लोग एनालिसिस कर सकते कुछ इस तरीके से। तो आई होप समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय।